हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम देख रहे थे शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट मॉरल स्टोरीज, जिसमें हमने काफ़ी सारी स्टोरीज देख ली हैं। यहाँ पर एक और स्टोरी हम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द फॉक्स एंड द क्रो, लोमड़ी और कौए की। तो आपने सुना होगा, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इस स्टोरी को। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात होती है, देयर वॉज अ क्रो, एक कौआ था। ही हैड अ पीस ऑफ मीट, उसे क्या मिल गया था, एक मांस का टुकड़ा। अ हंग्री फॉक्स केम देयर, एक भूखा लोम जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। हिज माउथ वाटरिंग व्हेन ही सॉ द पीस ऑफ मीट, उसकी मुंह में पानी आ जाता है जैसे वो पीस ऑफ मीट जो मांस का टुकड़ा है उसे देखता है। तो ही थॉट ऑफ अ प्लान टू गेट इट, वो सोचता है उसे कैसे ले। ही प्रेस द वॉइस ऑफ क्रो, वो प्रशंसा करता है कौए की आवाज़ की। द फॉक्स सेड हिम टू सिंग अ सॉन्ग, और वो उसे कहता है कि प्लीज़ तुम मेरे लिए गाना गा दो। व्हेन द क्रो ओपन हिज माउथ टू सिंग, जब कौए ने अपना मुंह खोला गाना गाने के लिए, द पीस ऑफ मीट फेल डाउन, जो मांस का टुकड़ा था वो गिर जाता है। द फॉक्स एट इट एंड वेंट अवे, और जो लोमड़ी होता है वो उसे खा लेता है और वहाँ से चला जाता है। तो कौआ उसकी बातों में आ जाता है जबकि उसको पता है कि उसकी आवाज़ कर्कश है, बट लोमड़ी ने क्या किया, उसको अपनी चालाकी से अपने में फंसा लिया, और वो जैसे ही गाना गाता है तो मांस का टुकड़ा गिर जाता है और लोमड़ी उसको खा करके चला जाता है और वो भूखा ही रह जाता है। तो मॉरल मिलता है, बीवेयर ऑफ फ्लैटर, जो चालाक लोग होते हैं उनसे सावधानी पूर्वक रहें, सतर्क रहें। तो ये थी कहानी फॉक्स एंड क्रो की। इसी तरह और हम मॉरल स्टोरीज देखते रहेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।